दोस्तों भारत में बजट, दोस्तों आज यहाँ पे निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बजट लॉन्च करना शुरू कर दिया। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक बजट की दोस्तों फाइनल कट्स निकल के नहीं आया, लेकिन जो बातें निकल के उसके बारे में बात करेंगे। जिस हिसाब से दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा है सरकार ने, किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों बहुत अप्स एंड डाउन है। थंबनेल आपने देख लिया होगा दोस्तों, ग्रामीण विस्तार में कनेक्टिविटी ज्यादा, लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं कंपेयर टू सिटी में दोस्तों। यस, रूरल एरियाज में दोस्तों ज्यादा कनेक्टिविटी है। ये रिपोर्ट दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में बताएगी किस हिसाब से अब आजकल ग्रामीण विस्तार में लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, ज्यादा कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे काम आ रही है। शहरों में चीजें कम होती नजर आ रही है दोस्तों। क्या है ये और क्या है 5G का एक्सपेंशन, किस हिसाब से भारत सरकार भारत भर के अंदर 100 नई 5G लैब्स बनाएगी, कॉलेजेस के अंदर 5G को एक्सपांड करने वाली, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है जिसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत्रा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। दोस्तों बजट के सबसे की हाइलाइट्स फिलहाल अभी तक दोस्तों निकल के आए कि अबे सरकार यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 नई 5G लैब्स बनाएगी कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पे 5G की नई एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाएगा भारत के लिए। भारत में 5G का एक्सपेंशन बहुत स्मूथली चले इसके लिए सरकार यहाँ पे R&D नई लैब्स बनाएगी, जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाएगा, जिस हिसाब से भारत में एक स्मूदी 5G नेटवर्क आपको मिले, सारी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिले। उसके साथ साथ दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे इंडिया में दोस्तों रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर यहाँ पे अर्बन एरिया से लास्ट 3 साल के अंदर बढ़े हैं, भारत में ग्रामीण विस्तार में इसको अछूता बोला जाता था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कनेक्टिविटी पहले से ज़्यादा है आजकल। यस, मैंने खुद ने मेरे गांव में देखा कि मेरे अहमदाबाद से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क VI का मिलता है गांव में। तो ग्रामीण विस्तार में दोस्तों ज़्यादातर लोग ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं कंपेयर टू शहर, शहर में इतना डेटा यूज़ नहीं होता। देख सकते इकोनॉमिक सर्वे बताया इंडिया एडेड मोर रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर देन अर्बन इन लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 साल के अंदर दोस्तों ज़्यादा सब्सक्राइबर एड किए गए रूरल एरियाज में। असली भारत तो गाँव में बसता है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो अब लोग दोस्तों यहाँ पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट चला रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का दोस्तों यहां पे बता रहा है, जहां पे बताई जा रही सरकार की तरफ से कि किस हिसाब से 2019-21 से लेके दोस्तों 2022-23 तक दोस्तों किस हिसाब से ये सारी चीजें चेंज हुई है। और भारत के अंदर दोस्तों बात की जा रही है कि यहां पे ग्रामीण विस्तार में 95.76 मिलियन और शहरों के अंदर 92.81 मिलियन दोस्तों रूरल और अर्बन के बीच में ये सारी चीजें, जहां पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन ऑलमोस्ट 30 लाख यूजर दोस्तों ज्यादा आए यहां पे कंपेयर टू सिटी के। तो ग्रामीण विस्तार में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इसका आप इनिशिएटिव दे सकते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट, जहाँ पे सरकार गांव-गांव तक दोस्तों फाइबर बिछाने का काम कर रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के दोस्तों अलग अलग प्लान है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्कीम आती है, इंसेंटिव दोस्तों आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मिलते हैं, और बहुत सारी दोस्तों यहाँ पे स्कीम सरकार यहाँ पे चलाती है। लेफ्ट विंग जो जहाँ पे आदिवासी एरियाज हो दोस्तों, यहाँ पे लेफ्टिस्ट जहाँ पे वहाँ पे नक्सली प्रभावित एरिया हो, वहाँ पे भी सरकार 4G टावर लगा रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है ग्रामीण विस्तार के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। मैं बताऊँ आपको ग्रामीण विस्तार के अंदर दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क पे लोड भी इतना ज़्यादा नहीं होता। यस, पॉपुलेशन कम होती है यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे, मैं खुद देख चुका हूँ राजस्थान के अंदर। सिटी के अंदर दोस्तों डेंस पॉपुलेशन होती है, नेटवर्क पे इतना काम नहीं करती कंपनियाँ, क्योंकि उनको पता है कि क्या इनका सोल्डर नहीं। गाँव के अंदर दोस्तों फिलहाल यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही है, गाँव वाले लोग भी इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर बात कर लीजिए तो ग्रामीण और रूरल की बात कर लीजिए, रूरल और सिटी की बात कर लीजिए, अर्बन की बात करें तो गाँव के अंदर ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये सर्वे बता रहा दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का, लास्ट 3 साल के अंदर ज्यादा लोग आए दोस्तों इंटरनेट चलाने के लिए, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कंपेयर टू सिटी के। उसके साथ साथ भारत सरकार ने 100 नई लैब्स बनाने का वादा किया दोस्तों, के आने वाले टाइम के अंदर पूरे भारत में बनेगी, जिससे 5G का एक्सपेंशन अच्छी तरह होगा। और बहुत सारी चीजें सरकार यहां पर कर रही है जिससे दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर सारी चीजें होने वाली है। और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म दोस्तों सरकार लाने की कोशिश कर रही है 5G रोल आउट के लिए। जैसे भारत सरकार के अंदर दोस्तों राजस्थान सरकार ने दोस्तों बात की कि टावर लगाने के लिए बहुत सिंपल कर दिए रूल्स यहाँ पे, जिससे कोई भी कंपनी कोई भी बंदा यहाँ पे केस वेस नहीं कर सकता, कंपनियां सिंगल परमिशन लेके कहीं भी टावर लगा सकती 5G का, जिससे 5G एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो जाएगा। वैसे ही बाकी स्टेट भी दोस्तों यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिलहाल ये थी बड़ी अपडेट दोस्तों, किस हिसाब से ग्रामीण विस्तार के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ रही है और शहर के लोग पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब गाँव के लोग बहुत आगे निकल रहे हैं इंटरनेट यूज करने के अंदर। वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ डिफरेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं, लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर में जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो दबा दीजिए। इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा दीजिए, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबाना, इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।